नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप में से कई लोग पूछ रहे हो, क्या पीयूष भाई ये मंदी है, क्या हमने मंदी की शुरुआत की है? दोस्तों आइए हम ये चैलेंजेस देखें कि ये चैलेंजेस फेस कैसे करें और इस चैलेंज का सॉल्यूशन कैसे लाए। राइट, एक चीज के लिए हमें तैयार रहना होगा, कोई डाउट नहीं है दोस्तों, चैलेंजेस आर अहेड, आगे चैलेंजेस है हमारे सामने। राइट, किस प्रकार के चैलेंजेस है, ये क्या हुआ है? दोस्तों जैसा आप लोग जानते हो, कोरोना वायरस जिसकी इफेक्ट शुरुआत हुई चाइना से, चाइना के मार्केट जबरदस्त टूटे, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने तक उसका इफेक्ट रहा चाइना में, और धीमे धीमे अब चाइना में से इसका इफेक्ट निकलता जा रहा है। पर ये जैसे कि वायरस है और ये फैलते फैलते कई अलग अलग कंट्रीज पे पहुंच चुका है जिनके साथ ज्यादा कम्युनिकेशन था। दोस्तों हम जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज में ये किस तरह से फैल चुका है। दोस्तों जैसे जैसे ये वायरस दुनिया भर में फैलता जा रहा है, इतना पक्का है कि वो जहां जाएगा 2-2.5 महीने तो रहता है। राइट, तो बाकी जगहों पे भी अगर इसकी शुरुआत हुई है तो इसकी इफेक्ट रहेगी थोड़े टाइम, और जैसे चाइना में से ये धीमे धीमे केसेस, नए केसेस कम से कम आने बंद हुए, यही चीज हम बाकी जगह पे भी देखेंगे। पर दोस्तों ये 2-2.5 महीने में क्या इफेक्ट कर सकता है, ये यूरोपियन कंट्रीज में क्या इफेक्ट कर सकता है, ये भारतीय बाजार में क्या इफेक्ट दे सकता है? दोस्तों इफेक्ट ऑन मार्केट आप देख चुके हो। राइट, इंडिया में इतने केस नहीं है जितने उन यूरोपियन कंट्रीज में है, उन दूसरे कंट्रीज में है। राइट, पर फिर भी ये इफेक्ट अगर हम इंडिया में देख रहे हैं, जस्ट अंदाजा लगाइए वहां पे क्या होगा जहां पे केसेस ज्यादा है। दोस्तों अब ये चैलेंज आया है तो इसका सामना करना पड़ेगा। दोस्तों लाइफ में कई चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो बताकर नहीं आते कि भाई मैं आऊं घर में, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। रोड टूवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन, रोड टूवर्ड्स सक्सेस इज नॉट इजी। कई चैलेंजेस सामने आएंगे जो कुछ समय तक हमें हैरान करेंगे, एक शॉर्ट टर्म पैनिक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब मुझ पे है कि मैं इससे पैनिक हो जाऊं, कि मैं कबूल करूं यस ये प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम तुम कुछ समय मेरे लाइफ में रहोगे, बट आई नो जैसे अच्छे दिन परमानेंट नहीं है, प्रॉब्लम आए प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, वापस अच्छे दिन आएंगे। राइट, इट्स ऑल राइट, लेकिन ये क्या आज सामने है? दोस्तों आप लोग जानते हो पिछले 2 साल से बाजार में ऑलरेडी करेक्शन चल रहा था। राइट, दोस्तों बाजार में करेक्शन कब आते हैं और करेक्शन का मतलब क्या है? दोस्तों पिछले 2 साल से हमने बाजार में देखा ही है कि मार्केट ने तेजी किया। दोस्तों आपने देखा था कि 2008 से 2014 तक तो लंबी मंदी रही थी, फिर 2014 में बाजार ने जबरदस्त रैली किया, 2014 में रैली हुआ, 16 में वापस बाजार गिरा था, और ये 2 साल तक करेक्शन मोड में रहा था। ये समय पे भी हमने काफी पैनिक देखा था, पर ये पैनिक क्यों था? क्योंकि ये समय पे बाजार हाई वैल्यूएशंस पे था, तो शॉर्ट टर्म एक करेक्शन आया। अब शॉर्ट टर्म यानी 150 साल तो कोई भी करेक्शन रहता है, वापस हमने तेजी देखी। दोस्तों 2018 तक ये तेजी अच्छी चली, 17 दोस्तों सिंस लास्ट ईयर 2018 हमने वापस ये करेक्शन मोड देखा, और बाजार ये करेक्शन में ऑलरेडी 2 साल से था। तो दोस्तों करेक्शन क्यों था? 2 चीजों की वजह से करेक्शन होते हैं, या तो जब प्रॉफिट्स डाउन होते हैं तब बाजार एक करेक्शन मोड में आता है। करेक्शन यानी आपके जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, टॉप परफॉर्मर यानी हर एक सेक्टर के फ्रंट रनर जो सबसे हाई क्वालिटी कंपनीज है, ये हाई क्वालिटी कंपनी भी 30% जितना टूटती है। जो दूसरे कक्षा की कंपनी होती है उनके प्रॉफिट थोड़े ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि
उनके मार्जिन कम होते हैं ऑलरेडी, उनपे डेब्ट होती है, तो उसमें करेक्शन ज्यादा आता है और 50% 60% 80% तक वो कंपनियों में हम करेक्शन देखते हैं। क्यों देखते हैं? प्रॉफिट्स डाउन होने की वजह से, या तो फिर इतने बाजार हाई वैल्यूएशंस पे आ चुके होते हैं कि भाई और वो लेवल से बड़े बाइंग नहीं आते। बड़े बाइंग क्यों नहीं आते? क्योंकि हायर लेवल पे बाय करने से यील्ड कम मिलती है, मुझे डिविडेंड कम मिलता है, इसी वजह से कुछ डेढ़ दो साल तक करेक्शन आता है। दोस्तों कुछ इसी प्रकार का करेक्शन हमने देखा, ये बिल्कुल मंदी नहीं थी, जो पिछले दो साल से चल रहा था ये एक प्रकार का करेक्शन था जो कि हाई वैल्यूएशंस की वजह से था, राइट? आपके धंधे बढ़ रहे थे, आपके प्रॉफिट भी टॉप कंपनियों के अच्छे ही थे, लेकिन अब क्या है, जैसे दोस्तों कोरोना का इफेक्ट आया, अब कोरोना जस्ट सोचो ये वायरस से क्या हुआ दोस्तों, इसने चाइना में क्या किया, जैसे ही वायरस आया एक घबराहट का माहौल हो जाता है दोस्तों, आज ये दुनिया भर में फैल चुका है, इंडिया में 100 के आसपास केस है और हर रोज नए नए केस आ रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कंट्रीज में, इंडिया में जितने केस आ रहे हैं दोस्तों उतनी दुख की बात है कि उतनी डेथ हो रही है, सो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड थिंग। तो दोस्तों ये एक फियर फैलाता है, कोई डाउट नहीं इसके कारण प्रॉफिट नहीं घटते कंपनियों के, सीधी असर टॉप लाइन पे होती है। दोस्तों कभी भी शेयर बाजार में मंदी तभी आती है जब टॉप लाइन यानी कि सेल्स डाउन होते हैं। दोस्तों 2008 में करेक्शन नहीं था, 2008 में मंदी थी। मंदी क्यों थी? क्योंकि आपकी कंपनियों के धंधे ही डाउन हो चुके थे। दोस्तों जब धंधे डाउन होते हैं तब बेयर मार्केट होता ही है। दोस्तों ये केस अभी का केस क्या है, दोस्तों आपको क्या लगता है? जैसे इंडिया की मैं बात करूं, जस्ट दो तीन दिन अभी हम लोग बेंगलोर में थे, राइट? अब हम तो बाहर थे, मेरा घर तो है नहीं बेंगलोर में, हम लोग रोज बाहर खाना जाते थे। एक चीज क्लियर थी कि पहले जब भी हम कोई भी रेस्टोरेंट में जाते थे तो क्या होता था, वेटिंग, खास करके सैटरडे संडे। अभी हम अगर संडे गए, क्या था, पूरे रेस्टोरेंट में हम दो ही थे फ्रेंड्स, मैकडोनाल्ड में कुछ लोग, डोमिनोज जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जुबिलेंट फूड में दो तीन लोग, थिएटर खाली पड़े हुए, रोड पे भीड़ नहीं। हमने देखा, हम बड़ौदा से बेंगलोर फ्लाई किए, फ्लाइट खाली थी, कभी ऐसा नहीं देखा, एयरपोर्ट खाली है। दोस्तों ये सब चीज क्या है, आपको नहीं लगता है कि इससे उन कंपनियों के धंधे डाउन होने वाले हैं? दोस्तों धंधे डाउन अभी नहीं है, पर इसकी इफेक्ट कब आएगी, जस्ट लॉजिकली तो सोचे हम। लॉजिकली क्या कहते हैं कि पिछले 10 दिनों से धंधे डाउन है और ये इफेक्ट रहेगी, क्योंकि चाइना में भी इफेक्ट 2-2.5 महीना रही, तो यहां पे भी तो रहेगी। अब ये तो इंडिया था जिधर 100 केस थे, जस्ट थिंक अबाउट इट, वो यूरोपियन कंट्रीज जहां पे हजारों रोज के केस आ रहे हैं, उनके बेचारों के क्या हाल होंगे। वहां पे आप धंधे बढ़े ये सोच भी सकते हो क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट, कौन से बिजनेस पे इसकी इफेक्ट आएगी। अब इसकी कोई टिप नहीं मिलने वाली है, ये कोई हम कहां पे इसका पढ़ाई करेंगे। लॉजिकली यू थिंक अबाउट इट, कौन सी इंडस्ट्रीज इससे अफेक्ट होगी, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। आप सही भी हो सकते हो, गलत भी हो सकते हो, पर अगर आप सही हुए देन दैट्स गुड, गलत हुए देन ऑल्सो दैट्स गुड, आपने एज्यूम किया गलत हो गया, इट्स ऑल राइट। ऐसा थोड़ी ना है कि जो हम टीवी में सुनते हो सब चीजें सही होने वाली है, राइट? थिंक अबाउट इट, विच इंडस्ट्री विल बी अफेक्टेड मोस्ट, और तैयारी रखे कि इन सारी कंपनियों में करेक्शन रहने वाला है। क्यों करेक्शन रहेगा? क्योंकि सेल्स डाउन होंगे, तो सेल्स डाउन होंगे तो करेक्शन नहीं, ये सारी इंडस्ट्रीज बेयर मार्केट की लपेट में होगी, कोई डाउट नहीं है। जो भी इंडस्ट्री हम
जो भी चीजें यूरोप के साथ जुड़े हुए, हमारे कई इंडस्ट्रीज यूरोप के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, उन कंपनियां उन इंडस्ट्री का क्या होगा? आपने पिछले 5-6 दिन से जो भी कई कंपनियों में बड़े फॉल देखे, क्या वो कंपनी एसोसिएटेड थी? राइट, जस्ट थिंक अबाउट इट। यानी प्रिपेयर रहना चाहिए कि नहीं दोस्तों हमें, कि धंधे डाउन होने वाले हैं। आप क्वार्टर फोर, पूरा क्वार्टर फोर जो अभी हमारा था, यानी जनवरी फरवरी मार्च के जो रिजल्ट आएंगे उसमें इतनी बड़ी इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आखिरी 15-20 दिन ही अफेक्टेड थे, पर इफेक्ट तो होगी ना। लेकिन क्वार्टर वन के जो रिजल्ट हम देखने वाले हैं वहां कैसी इफेक्ट होगी, जस्ट सोचो, आप अपने हिसाब से सोचो यार। राइट, नाउ थिंक अबाउट इट, ये फॉल बराबर है कि नहीं है? राइट, अब अगर ऐसा फॉल है, जस्ट सोचो, क्या जिंदगी भर ये रहेगा? देखो, 2.5 महीने में चाइना में से अभी तो नए केस आने बंद हो गए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मेरे को नहीं पता है ये वायरस कैसे है और कितना टाइम रहता है, पर इतना तो मेरे को समझ आता है कि भी चाइना में भी जहां सबसे ज्यादा था, 2.5-3 महीने बाद धीमे धीमे कम हो गया, तो बाकी कंट्रीज में भी धीमे धीमे कम होगा ना। यस, कुछ और नई कंट्रीज अफेक्ट होगी इसके कारण, जैसा चाइना के बाद कुछ और नई कंट्रीज इफेक्ट हुई है, पर देखो सारी कंट्रीज प्रिकॉशन ले रही है। राइट, तो यस, उनको प्रिकॉशन लेने चाहिए थे और उन्होंने लिए। फिर भी चलो वर्स्ट केस में सोचो, और बढ़ता है वर्स्ट केस, तो थोड़ा समय हमें सोचना पड़ेगा कि यस धंधे घटने वाले हैं और धंधों की इफेक्ट आपके भाव पे जबरदस्त पड़ेगी। बी प्रिपेयर। राइट, अब इसका क्या करें? अगर ऐसा होता है तो क्या दोस्तों? इट शुड बी वेरी क्लियर, इट शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर कि हम फॉल तो देखेंगे, जैसे करेक्शन मोड में हम क्या देखते थे, ऐसे चलता था, फिर ऐसे करेक्शन मोड आता था, अभी क्या है, सब शेयर में ढोम, आपके फ्रंट रनर भी आधे हो गए कि नहीं, कई शेयर आपके बहुत टूटे हुए, प्रिपेयर रहो, अगर फ्रंट रनर टूटे हैं तो बाकी का क्या हाल है, इसीलिए हमेशा फ्रंट रनर में रहो। अब मुझे बताओ, जैसे वायरस निकल जाएगा, सबसे पहले कौन सी कंपनियों का धंधा बढ़ेगा हर एक इंडस्ट्री में से? जस्ट थिंक अबाउट इट, वो इंडस्ट्री, वो कंपनियां जिनकी बारे में मैं पहले भी बात करता था कि वो जो टॉप क्वालिटी नहीं है, अभी सब कंपनी में इफेक्ट आएगी क्योंकि सबके प्रॉफिट गिरेंगे, लेकिन जैसे 2-2.5 महीने बाद वायरस निकलेगा और आपकी इन्हीं कंपनियों के धंधे बढ़ने वाले हैं, कुछ कंपनियों का हाल क्या होगा जो जबरदस्त डेट बर्डन में है, जिनके मार्जिन ऑलरेडी 0.5% थे, वो सब 5-5% लॉस करेगी कि नहीं? पर आपकी टॉप क्वालिटी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कम प्रॉफिट करेगी, पर करेगी तो सही ना। इसीलिए तो हम पहले से किस पे फोकस करते, हिस्ट्री देखे कि पिछले इतिहास में आपकी कंपनी कितनी बार लॉस किया है। अगर आपकी कंपनी ने पूरे 20 साल से खराब समय में भी आपको प्रॉफिट दिया है तो घबराओ नहीं, ये समय पे भी वो कंपनियां प्रॉफिट करेगी, इट्स ऑल राइट। ये मंदी कुछ समय टिकेगी फिर चली जाएगी, पर सबसे पहले मुझे बताओ कौन सी कंपनियां वापस लाइफ टाइम हाई मारेगी? वो डेप्ट बर्डन कंपनी है, वो लो मार्जिन कंपनीज की फ्रंट रनर कंपनीज। तो दोस्तों अब क्या अपना काम बनता है? अपना काम ये बनता है कि यस, भगवान ने हमें बताया कि एक प्रॉब्लम है, वी शुड एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम का मैं फायदा कैसे उठाऊं, ये प्रॉब्लम में मैं कैसे निकल जाऊं? मेरे को तैयारी रखनी पड़ेगी, मेरे को खर्चे मेरे थोड़े कम करने पड़ेंगे क्योंकि ये मंदी कुछ समय चलेगी। राइट, कुछ मेरी लग्जरी मुझे कट करनी पड़ेगी, सारी कंपनियां भी यही चीज करेगी, देखो देख लेना आप। राइट, लेकिन अब मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा? दोस्तों लिस्ट बना दो फटाफट, क्या कंपनियां चेंज होगी? कंपनियों का तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए ना। अरे यार, 15 साल पहले भी जो मैं कंपनी खरीदता था, आज भी मैं वही कंपनियों में SIP कर रहा हूं। मैंने 2014 में जब बाजार गिरा, 2016 में, तब भी मैंने यही कंपनियां खरीद इकट्ठी की थी, क्योंकि मेरे को पता है
ये मैंने एस्टिमेट निकाला है कि भाई 2030 में भारत में कौन सी बैंक लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रही होगी। 2030 में स्पेशल कंज्यूमर सर्विस में कौन सी कंपनी टॉप पे होगी, कौन सी ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट बढ़िया चल रही होगी। अभी तो मंदी की इफेक्ट होगी तो खराब ही होंगे। तो मत देखो कि भी वो नए नए लो लगाएंगे, लगाने ही वाले हैं ना। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है मैं क्यों उसके पीछे पड़ूं? क्या भाव आपके कंट्रोल में है? रोज देख देख के भाव सुधरेंगे क्या? आप लोग रोज घर जाके सीधा एसजीएक्स निफ्टी चेक करने लगते हो, उससे क्या दूसरे दिन की एसजीएक्स निफ्टी सुधरेगी? तुरंत डाउ जोन्स चेक करते रहते, 1000 पॉइंट डाउ जोन्स डाउन। यानी आप वैसे भी कल सुबह 9:30 बजे तो एक टेंशन लेने वाले थे, अब वो टेंशन सोचो मैंने आज से ले लिया। वेरी गुड, ऐसा करने से अच्छा रहेगा क्या? दोस्तों प्रॉब्लम है कबूल करो यार, बरसात गिर रही इट्स ऑल राइट, छतरी लेके घूमेंगे, आधा घंटा नहीं निकलेंगे घर से। मायूस होने से थोड़ी ना काम चलता है। प्लान फॉर दिस गेम फ्रेंड्स, हम चाहे तो इस मंदी का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कैसे? ये मंदी में कोई शेयर लेने नहीं आएगा क्योंकि लोगों को हरियाली चाहिए लेने से पहले। जिन्होंने खेती नहीं की होती ना उनको ये लगता है वाव क्या हरियाली, उनको पता नहीं है कि किसान ने कितनी प्रॉब्लम के साथ ये खेती की है। जब यहाँ कुछ नहीं होता था तब उसने हल चलाया है, तब उसने पानी दिया है, उसने खाद्य दिया है, उसने बीज बोए है, तब जाके वो हरियाली देखता है। दोस्तों यही चीज हमें करनी पड़ेगी। अभी आने वाले कुछ समय आपके सारे फील्ड खाली है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके खेत में आने का, खेत खुले हैं, बीज बो दो। हर वो कंपनी जिसमें आपको बढ़िया बाइंग करना था इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। ऐसे भाव मुश्किल से मिलते हैं। एक्यूमुलेट भाव मत देखना, बोलना नहीं ये लो मार रहा है, लो इसीलिए मार रहा है क्योंकि मेरे को लेना है, राइट? एक्सपेक्ट मत करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जैसे एक किसान आज बीज डालता है उसको पता है 6 महीने बाद ही फसल होगी, एट सेम वे बीज बोते जाओ, ऐसी इसकी रिजल्ट मिलेगी यू कुड नॉट एक्सपेक्ट। 2 साल से मंदी चल रही है, यानी 6 महीने बाद मैं बोलूंगा ये मंदी 3 साल चली। दोस्तों हर बड़ी मंदी के बाद जबरदस्त पैसा है। 2014 की रैली में जबरदस्त पैसा इसलिए बना क्योंकि उससे पहले की मंदी लंबी चली थी। लोगों को अपने शेयर गिरे हुए नहीं देखने पर सस्ते लेने हैं। यार दो चीज थोड़ी ना हो सकती है, हो सकती है क्या? राइट फ्रेंड्स, बी प्रिपेयर। एक कहानी में आपको बताता हूं, ये एक दोस्त दिख रहा है आपको, इसका नाम है डैनी। डैनी दोस्तों एक लड़का, 2005 की बात होगी शायद, आज से 14 साल पहले, स्किनी बॉय, आर्मी के कपड़े पहने हुए थे, फटाफट एकदम कुछ साइकिल लेके आया ऑफिस में मेरे, मेरे को शेयर बाजार सीखना है। साउथ इंडियन था, उसकी थोड़ी थोड़ी तो लैंग्वेज भी इधर गुजरात में समझ में नहीं आती थी। अब वो आके बोलने लगा शेयर बाजार सीखना है, शेयर बाजार सीखना है। चलो शेयर बाजार सिखाना स्टार्ट किया, धीमे धीमे इसके और दोस्त आने लगे। हमको डर लगता था ये कैसे सीखेगा, क्योंकि इसके कुछ दोस्त क्या बोलते थे पता है, यार पीयूष भाई किसी को मारना हो तो बोलो, उसको मारेंगे यार, पर तुम ये ईपीएस पी और बुक वैल्यू बोलते हो ना घर जाके सब मिक्स हो जाता है, सर खुजलाते हम लोग कि ये क्या था, पी क्या था कि ईपीएस क्या था। मैं सोचता था ये डैनी कैसे सीखेगा। फ्रेंड्स क्या सीखना इसने स्टार्ट किया, वंडरफुल ग्रोथ, रियली आई एम प्राउड ऑफ हिम। धीमे धीमे ये फिर बड़ौदा से चले गए ये लोग, ये मेरे ख्याल से एमपी गया, वहां पे भी सीखता रहा, दिल्ली गया, बड़ौदा में एक वर्कशॉप था, राइट? ये दिल्ली के वर्कशॉप का फोटो है, देखो एवरीबॉडी स्माइलिंग। ये दोस्तों तब का फोटो है जब अहमदाबाद ये प्रसाद की शादी में आया था, राइट? प्रसाद आप जानते हो ना जो आपको कॉलिंग करता है मीटिंग के लिए, प्रसाद की शादी थी, डैनी केम।
उसके शादी में आया, अहमदाबाद उसी समय मीटिंग थी, तो अहमदाबाद की मीटिंग में भी ये मेरी बेटी और डैनी ये दोनों प्रेजेंटेशन दे रहे। एक समय वो आया, तब हम लोग घूमने जाने वाले थे, नॉर्मली एवरी संडे जंगल में घूमना रहता है, ये तो अभी मीटिंग चालू होगी तो नहीं जा पाते, पर वो आया, हम लोग साथ में रतन महल घूमने गए थे, राइट, बहुत बढ़िया जगह है गुजरात में, ये एक जंगल है। अरे चेन्नई गए, वर्कशॉप था चेन्नई का, ये बैठा हुआ है, वो छुट्टी मनाने गया था बीबी के पास, 3 दिन वर्कशॉप में आ गया। अरे क्या जरूर है भाई, फैमिली के साथ टाइम बिताओ ना, पर इसको ऐसा है कि नहीं मेरे को इतना सीखना है सीखना है सीखना है, कितना सीखेगा। चलो ये सब जगह पे, हम दिल्ली थे, दिल्ली सुबह दौड़ने जाते, चेन्नई थे दरिया किनारे पे, बढ़िया दौड़े हम लोग, दिल्ली की मीटिंग, बढ़िया फोटोग्राफ्स, बहुत एंजॉय किया हमने डैनी के साथ दोस्तों। लेकिन ये जो दिल्ली की मीटिंग थी ना, ये मीटिंग में नहीं, उसके बाद वाले साल में अगेन डैनी तीनों दिन हमारे साथ था। फ्रेंड्स होमली रिलेशन है इसके ऑल ओवर इंडिया के साथ, सारे भारत के कई स्टूडेंट इसको जानते हैं। हम लोग सुबह दौड़ने गए और दौड़ते दौड़ते कुछ खांसी होने लगी इसको, मेरे को एकदम सरप्राइज हुआ, यार डैनी तेरे को कैसे खांसी हो सकती है, कभी मैंने इसको ऐसा वीक नहीं देखा था, पर उस दिन ये थोड़ा वीकनेस आया, पता नहीं चल रहा था क्या हुआ यार, थोड़ा वीकनेस था, नो प्रॉब्लम। हम लोग दिल्ली से बड़ौदा आ गए और इसमें फिर वापस कुछ डॉक्टर्स को बताया और फिर पता चला कि इसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है। धीमे धीमे एक हफ्ते बाद इसका फोन आया कि पीयूष भाई मेरे को तो कैंसर है, कैंसर। ओ माय गॉड, हाउ कैन वी बिलीव दिस थिंग। जैसे पूरे भारत में स्टूडेंट्स को पता चलती गई, एवरीबॉडी वॉज वरीड अबाउट इट। कितना उस दिन मेरे को भी पता चला कितनी बढ़िया फैमिली है प्रॉफिट फ्रॉम इट की। कई लोग जो दिल्ली में थे उससे मिलते रहे, और देखो सोचो उसका फैमिली रहता है केरला में, पर डैनी मेरे को कहता था पीयूष भाई मेरा कितना बड़ा फैमिली दिल्ली में है, रोज कितने दोस्त मेरे को मिल रहे, मैं तो बीमारी भूल गया। दोस्तों अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको क्या क्या इसको मोटिवेट कर सकते थे। फ्रेंड्स मोटिवेशन सेल्फ होता है इंटरनली, हम खुद सोचते थे इसको क्या बोले यार, अब क्या, ये डैनी कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। उस समय भी मैं देखता था, रोज फोन आते थे पीयूष भाई ये समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं ये क्यों सीख रहा है, अभी भी हॉस्पिटल में बैठे बैठे क्या वीडियो देखता रहता है, अभी भी शेयर बाजार पढ़ पढ़ करता है। वाह दोस्तों, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, डैनी सॉल्यूशंस ढूंढता गया ढूंढता गया ढूंढता गया ढूंढता गया। दोस्तों हर एक प्रॉब्लम को अगर हम उठाते हैं उसके नीचे बढ़िया सॉल्यूशन छुपा हुआ है फ्रेंड्स, और इस चीज को पुरवार किया मेरे डैनी ने। पिछले 1.5 साल जबरदस्त प्रॉब्लम में था, बट यस अगेन मैं इतना खुश हो गया बेंगलोर के वर्कशॉप में, मेरे को पता चला डैनी इज इन बेंगलोर। पहले दिन जैसे हम लोग 7-8 बजे बेंगलोर पहुंचे, वी मेट, वाओ यार डैनी वापस जैसा है वैसा हो गया, व्हाट अ हेल्दी मैन, कितना सीखना चाहिए। मेरे को लगा कि यार कैसे तू इतना पावरफुल बन गया है, क्या किया तूने, कैसे तूने कैंसर को मात दे दी, सबसे बड़ी बीमारी को मात दे दी, और मैं तो अभी यार ये कोरोना से घबरा रहा हूं, ये तूने कैसे हासिल किया। एल्लम प्रसन्नतिन परिहरमुंट, एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन, ये डैनी ने मेरे को डिस्क्राइब दिस थिंग राइट नाउ। दिस गाय हैव कम आउट फ्रॉम कैंसर एंड आई विल लाइक टू लर्न फ्रॉम हिम हाउ ही डिड दिस थिंग एंड हम सबके लिए। डैनी यार कोरोना आया है, कोरोना बहुत लोग हैरान है कोरोना से, तो कोरोना से लोग घबराए हुए हैं, ये तुम पिछले साल कैंसर से आज एकदम वापस हेल्दी, कैसे ये सब किया तुमने? कैंसर आया था 2019 में आया था, पीयूष भैया का जो ट्रेनिंग हुआ था दिल्ली में, उसके बाद ढूंढता मैंने पता चला ब्लड कैंसर है, और अभी फिलहाल अभी लेटेस्ट रिसल्ट
बढ़िया कैंसर पूरा में बढ़िया चले गए पूरे मतलब अभी थोड़ा मेंटेनेंस पीरियड में इधर एडमिट है अभी एयरपोर्ट हॉस्पिटल में हो जाएगा सही हो जाएगा सो व्हाट डिड यू डू दैट देखो सर एक चैलेंज कभी भी है पीयूष भाई हर बार बोलता है 2013 में पूरे टारगेट हमारे तो 2000 टारगेट में ही नहीं दे पाएगा तो क्या हालत होगी मेरी मैंने जब से इन्वेस्ट कर रहा मतलब 12 साल हो गए पीयूष भाई के साथ तो जब से मैं सुन रहा 2030 तक हम टारगेट रखा है अभी मैं अभी डेथ हो गया तो क्या होगा 2030 नहीं देख पाएगा ना इसलिए मैंने वो टारगेट के रख के पूरा ट्रीटमेंट किया विल पावर अपना बहुत जाता है हमने हर नहीं मानूंगा लाइफ में तो आ जाता है वो विल पावर कैसे लाए फिर ऐसा कि नहीं यार कैंसर है तो हो जाएगा सब प्रॉफिट में ग्रुप में पूरे डॉक्टर है तो ए टू जेड आदमी लोग हर आदमी मेरे को फोन करता था फैमिली से पूरा आदमी मेरे को गाइड देते रहता था कुछ ना कुछ कमजोर हो जाता है तो एक बार मैं काफ़ी कमजोर हो गया था मेरे बाल दो बार उठ गया था मतलब थोड़ा सीरियस में पहुँच गया था तब पीयूष भाई ने एक कहानी मेरे को बताया था अमेरिका का जो रनिंग मैन जो साइकिल मैन वर्ल्ड का उसका भी ब्लड कैंसर था लेंस आर्मस्ट्रांग उसका बाद ब्लड कैंसर के बाद वो अपना वो हो गया था जीत गया था तो मैं बोल में तो हम कुछ छोटा आदमी हम तो पावर कर सकता है फिर वो आगे बढ़ गया फिर वो सही हो गया दो दिन में फिर वापस आया बस ये सही इंसान मिल गए तो सब आसान हो गया नहीं डैनी ने जबरदस्त किया है और मैं बताऊँ आपको कि ये जैसे बड़ौदा का एक वर्कशॉप था और तब ये तब तुम कहाँ से आए थे दिल्ली से आए थे बड़ौदा वर्कशॉप में दिल्ली से आया था दिल्ली से बड़ौदा वर्कशॉप आए थे तो वर्कशॉप से पहले तो सब एकदम शांत चल रहा था एकदम शांति से सब ये लेट आया लंच के बाद लेट आया था मेरे को पता नहीं चला ये लंच के बाद क्या हो गया सब धमाल कर रहे इसके साथ कोई पहले जानता नहीं था राइट और रात को तो पार्टी चल रही थी सब गुजरात में तो बैन है डैनी ऐसा नहीं चलता है यार पर बहुत ही बढ़िया फैमिली है प्रॉफिट फ्रॉम इट में और